गाइस, आज का अपना टॉपिक है ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम को समझाने के लिए मैंने एक्चुअली में क्या करा है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ये जो है ये अपनी पार्ट वन वीडियो है, जिसके अंदर जो है अपन पूरा ड्यूडेनम समझेंगे। और ड्यूडेनम को एक्चुअली में क्या होता है, अपन को पता है जो ड्यूडेनम जो है वो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला और शॉर्टेस्ट पार्ट होता है। अगर मैं आपको इस डायग्राम में दिखाऊँ तो यहाँ पर क्या रहता है, इधर आपका प्रेजेंट रहता है स्टोमक। तो स्टोमक जो है, स्टोमक का एक कंटिन्यूएशन अपना होता है ड्यूडेनम। अब जो ड्यूडेनम जो है, सबसे पहले अपन को पता है आपका स्टोमक का कंटिन्यूएशन है और स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट ही होता है। उसके अलावा ड्यूडेनम जो है अपना एक सी शेप बना लेता है और उस सी शेप में आपका प्रेजेंट रहता है पैनक्रियास। तो बेसिक सा कंसेप्ट था जो आपको पहले से पता होगा, नीट वगैरह के लिए अपन इतना पढ़ते हैं। तो अब जो है अपन इसको और फर्दर और डिटेल में पढ़ते हैं। तो एक्चुअली में अपन करते क्या है, ड्यूडेनम को पढ़ने के लिए इसको चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला ये वाला पार्ट, ये है अपना फर्स्ट पार्ट और सुपीरियर पार्ट ड्यूडेनम का, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से लेकर, मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट है उसके यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो आपका बड़ा सा डिसेंडिंग पार्ट है ये है अपना सेकेंड पार्ट। फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हॉरिजॉन्टल में है, इसको अपन बोलते हैं थर्ड पार्ट या फिर हॉरिजॉन्टल पार्ट या फिर इन्फीरियर पार्ट। जाहिर सी बात है अगर सुपीरियर होगा तो एक इन्फीरियर पार्ट भी होगा। देन यहाँ पे जो था डिसेंडिंग था, तो अब ये वाला पार्ट को अपन बोलेंगे असेंडिंग पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो कुल मिला के ड्यूडेनम को जो है अपन चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। क्या होता है, यूनिवर्सिटी में इसके सेपरेट पार्ट से क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। तो अपन को करना क्या पड़ता है, उसके स्पेसिफिक पार्ट पर जो है पूरा एक शॉर्ट आंसर लिख के आना पड़ता है। इसलिए मैंने आपको क्या ड्यूडेनम को अच्छे समझाने के लिए दो पार्ट्स में ही डिवाइड कर दिया। ये अपने पार्ट वन वीडियो है जिसमें अपन देखेंगे ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट डिटेल में, इसके सारे रिलेशन। देन अपन पार्ट टू में देखेंगे इसका बचे हुए पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। और उस पार्ट में मैं आपको ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई भी बता दूंगा ड्यूडेनम की, और मेरे जितने भी नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। और ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में लेके आना है कभी अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया तो। तो अपन को शुरू करते हैं। सबसे पहले वापस से अपन इसकी डेफिनेशन लोकेशन अगर देखें बेसिक, तो यहाँ पे यही लिखा है कि अपना ड्यूडेनम क्या है, ड्यूडेनम अपना शॉर्टेस्ट एंड वाइडेस्ट मोस्ट फिक्स्ड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। देन ये कहाँ से एक्सटेंड होता है, तो ये अपना पाइलोरस, अपन को पता है ना स्टोमक के लास्ट वाले एंड को अपन क्या बोलते हैं, पाइलोरस, यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। तो एक्सटेंड अपना होता है पाइलोरस से लेकर ड्यूडेनो जुजेनल फ्लेक्चर तक। अब क्या है, ड्यूडेनम के बाद अपना क्या आता है, जुजेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन तीन पार्ट में डिवाइड है ना, ड्यूडेनम, जुजेनम, इलियम। तो वो वाला एरिया जब ड्यूडेनम जुजेनम में जब कंटिन्यू होता है तो वहाँ पे एक फ्लेक्सर रहता है, यहाँ पे उसको अपन बोलते हैं ड्यूडेनो जुजेनम फ्लेक्सर। तो इसका एक्सटेंड पाइलोरस से लेकर ड्यूडेनम जुजेनम फ्लेक्सर तक हो जाता है। उसके अलावा कहाँ पर लाई करता है, कहाँ पर होता है, अबव द लेवल ऑफ अम्लीकस, जो अपना अम्लीकस होता है ना उसके अबव लेवल में होता है, अपोजिट टू फर्स्ट सेकेंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। मतलब ये जो अपनी लंबर वर्टिब्रा रहती है ना फर्स्ट से लेकर थर्ड तक, उसके लेवल में होता है। उसको समझाने के लिए अगर आप ये वाला आप देखो डायग्राम तो क्लियरली आपको देखेगा ये पूरा अपना क्या है, ये अपना पूरा अपना है ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम किसके लेवल पे है, ये अपना फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के लेवल पे ये हो जाता है। देन मैंने आपको बता ही दिया कि ड्यूडेनम के कितने पार्ट्स होते हैं, कुल मिला के चार पार्ट्स में अपन उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब जो टोटल ड्यूडेनम जो है ना वो अपना 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। फिर अब अपन मैं आपको बताता हूँ इसका फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ से लेकर यहाँ पे क्या रहता है, पाइलोरस, पाइलोरस से लेकर यहाँ तक एक्चुअली में इस साइड आपका रहता है सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर। अच्छा सा आप देख लो ये जो है इसको अपन बोलेंगे सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर। देन सुपीरियर तो इन्फीरियर भी होगा, देन इसको अपन बोलेंगे इन्फीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर। तो अपना पाइलोरस से लेकर सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर तक अपना रहता है फर्स्ट पार्ट, जो कि आपका रहता है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग का। देन सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर से लेकर इन्फीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर तक अपना रहता है सेकेंड पार्ट, जो कि अपना होता है 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसके बाद एक पार्ट अपना हॉरिजॉन्टल में होता है जिसको अपन बोलते हैं थर्ड पार्ट, जो कि अपना 10 सेंटीमीटर का लॉन्ग होता है। फिर जो है यहाँ पे अगर आप देखो
ये वाला इन्फीरियर ड्यूडेनम फ्लेक्सर से लेकर यहाँ तक आपका रहता है थर्ड पार्ट, जो कि हॉरिजॉन्टल में है कुछ इस तरीके से। देन अब आप एक पार्ट देख रहे होंगे इसका, एक असेंडिंग पार्ट ये वाला। तो ये असेंडिंग पार्ट अपना होता है इसका फोर्थ पार्ट, जो कि बहुत छोटा पार्ट है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। उसके बाद ड्यूडेनम क्या करता है, अपना जुजेनम में कंटिन्यू हो जाता है। पूरे मैंने आपको इसके पार्ट्स बता दिए। देन अब देखते हैं अपन इसको डिटेल में, इसका फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले अगर देखें फर्स्ट पार्ट बिगिन कहाँ से होता है, मैंने आपको बताया फर्स्ट पार्ट जो है सबसे पहले पायरोलस से बिगिन होता है। उसके बाद ये सेकेंड पार्ट में मीट होता है कहाँ पे, सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर में। फिर अब अपन इसके देखें रिलेशन। तो रिलेशन में क्या होता है, अपन यहाँ पे दो रिलेशन देखने पड़ते हैं अपन को, एक पेरिटोनियल रिलेशन, दूसरे विसरल रिलेशन। अब आप बोलोगे कि यार इसमें दो रिलेशन क्यों देखने पड़ते हैं, तो एक्चुअली में क्या होता है, पूरे एब्डोमेन में ही अपन को कुल मिला के दो रिलेशन देखने पड़ेंगे, एक पेरिटोनियल रिलेशन, दूसरे विसरल रिलेशन। में होता है क्या, पूरे एब्डोमेन को एक सीरस मेम्ब्रेन कवर करती है, उसे अपन बोलते हैं पेरिटोनियम। तो इसलिए अपन को जो है पेरिटोनियल रिलेशन देखने पड़ते हैं कि ड्यूडेनम किस तरीके से उस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से कवर है। उसके अलावा विसरल मतलब होते हैं ऑर्गन, तो अदर ऑर्गन के साथ किस तरीके से वो रिलेशन में आ रहा है वो भी अपन को देखना पड़ता है। इसलिए तुम क्या कंफ्यूज मत होना, जब भी तुम्हें दो रिलेशन दिखते हैं तुम कंफ्यूज होने लगते हो दो रिलेशन क्यों है, तो क्या एब्डोमेन में अपन को सारे ऑर्गन में ही दो रिलेशन पढ़ने पड़ेंगे। तो अब मैं आपको यार ड्यूडेनम की एक ट्रिक बताता हूँ इसके पेरिटोनियल रिलेशन याद करने की, कि जो ड्यूडेनम जो है वह एक्चुअली में अपना होता है रेट्रो पेरिटोनियल, मतलब इसकी सिर्फ एक ही सरफेस जो है पेरिटोनियम से कवर होती है। कौन सी वाली, अपनी इंटीरियर सरफेस। ये तुम अच्छे से याद कर लेना, अपन आगे भी पढ़ेंगे इसको। तो अब आप देखो यहाँ पे पेरिटोनियल रिलेशन में, तो अपन ने क्या करा, ये तो फर्स्ट पार्ट जो था अपना था 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो इस 5 सेंटीमीटर लॉन्ग को भी अपन को ने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक प्रोएक्सिमल 2.5, दूसरा डिस्टल 2.5। ठीक है, अभी जो प्रोएक्सिमल 2.5 जो है ये एक्चुअली में अपनी दो अटैचमेंट देता है, किसकी, ओमेंटम की। तो अगर आपको ओमेंटम के बारे में नहीं पता, तो यार ओमेंटम के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हो। लेकिन मैं आपको फर्दर बता देता हूँ एक्चुअली में क्या होता है, जो अपनी पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है ना उसी के फोल्ड को अपन बोलते हैं ओमेंटम। और यहाँ पे दो फोल्ड होते हैं पेरिटोनियम के स्टोमक में, एक लेसर ओमेंटम और एक ग्रेटर ओमेंटम। अगर आपने मेरी स्टोमक वाली वीडियो देखी होगी तो आपको क्लियरली ये समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखी है तो आप बाद में आप देख लेना, मैंने आपको एक आइडिया तो दे दिया है। ओमेंटम एक्चुअली में अपने पेरिटोनियम के ही फोल्ड को बोलते हैं। तो क्या होता है, जो प्रोक्सिमल 2.5 सेंटीमीटर ये वाला पार्ट जो है, इसके अवब में आपका जुड़ा रहता है लेसर ओमेंटम और इसके नीचे आपका जुड़ा रहता है ग्रेटर ओमेंटम। तो आपको पेरिटोनियल रिलेशन में सबसे पहली लाइन ये याद करनी है, प्रोक्सिमल 2.5 में अवम में जुड़ा है लेसर ओमेंटम, बिलो में आपका जुड़ा है ग्रेटर ओमेंटम। उसके बाद अगर अपन इस पे आए डिस्टल 2.5 पे ये वाला, तो डिस्टल 2.5 जो है वो अपना यहाँ पे है रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल है कवर ओनली इंटीरियर सरफेस, मतलब ये जो डिस्टल वाला पार्ट है वो अपना रेट्रोपेरिटोनियल है, इसकी सिर्फ इंटीरियर सरफेस जो होती है ना वही अपनी पेरिटोनियम से कवर होती है। देन अब अपन इसके देखते हैं विसरल रिलेशन। विसरल मतलब ऑर्गन्स, तो किस तरीके से ड्यूडेनम दूसरे ऑर्गन के साथ रिलेशन बना रहा है। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट देखो तो अपन हर रिलेशन को अपन एक्चुअली में मैं क्या कर चुका हूँ, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, पेल्विक्स, थोरेक्स पहले ही पूरा अपलोड कर चुका हूँ, सारे उसका एमपी टॉपिक मैंने कवर करे हैं। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके से मैं सारे टॉपिक लाता रहता हूँ। तो अपन हर टॉपिक में अपन ने रिलेशन कैसे पढ़े हैं, अपन रिलेशन इसके सारे पढ़ते हैं 3D मॉडल से। तो आज ताकि क्या होता है, जब भी आप पढ़ो ना, मैं तो ये बोलता हूँ 3D मॉडल रख के पढ़ा करो, उससे क्या सारी चीज़ अच्छे से इमेजिन हो जाती हैं। तो अब मैं आपको 3D मॉडल से ये सारे के सारे दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो है अपना डायफ्राम सिस्टम का जो है 3D मॉडल है। तो यहाँ पे आपको अब क्लियरली दिख पा रहा होगा, अगर मैं क्या करूँ आपको ये पैनक्रियास को मुझे क्या हाइट करना पड़ेगा, देन ये
लेसर मोमेंटम को भी, तो फिर आपको क्लियरली दिख पाएगा। ये आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ये है अपना स्टोमक। देन स्टोमक का ही आगे आपको ये जो कंटिन्यूएशन दिख रहा है, यही है अपना ड्यूडेनम। तो अगर अभी अपन क्या कर रहे हैं, ड्यूडेनम को पोस्टीरियर सरफेस से देख रहे हैं, पोस्टीरियर साइड से देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये अपनी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ड्यूडेनम। और इसके जस्ट आगे आपके क्या प्रेजेंट है, इसके आगे जस्ट आपका प्रेजेंट है लिवर। तो इसके एंटीरियर रिलेशन कौन बना रहा है, वो अपना बना रहा है क्वाड्रेट लोब ऑफ लिवर। अब आपने मेरी लिवर की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो भी देख लेना, कि उसमें मैं आपको पूरा क्वाड्रेट लोब बता चुका हूँ। एक्चुअली में एब्डोमेन क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, इसमें हर ऑर्गन के कंसेप्ट किसी दूसरे ऑर्गन में लगते हैं। तो मैंने एक्चुअली में हर चीज़ सीक्वेंस में डाली है। अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ तो आपका हर चीज़ को सीक्वेंस में देखना शुरू करो, ठीक है। मैं आपको इसको सेपरेट करता हूँ पूरे। तो ये जो है, ये पूरा अपना लंग्स है। देन लंग्स में ये वाला एरिया, ये दिख रहा है ना, इसी को अपन बोलते हैं क्वाड्रेट लोब। मैं मेरी उस वीडियो में बता चुका हूँ। तो क्या होता है, ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम जो है, वो एक्चुअली में अपने क्वाड्रेट लोब के साथ रिलेशन में आता है। और उसी के जस्ट सामने ये ग्रीन से क्या है, अपना प्रेजेंट है गाल ब्लैडर। तो गाल ब्लैडर भी इसके अंदर आ रहा है। तो इसके एंटीरियर रिलेशन कौन कौन बना रहा है, अपना क्वाड्रेट लोब ऑफ लिवर और गाल ब्लैडर। तो मैं क्या 3D मॉडल नहीं दिखाता ना, तो तुम्हें इमेजिन नहीं हो पाता यार। इसलिए क्या, मेरी टीचिंग मेथड ही ऐसी है कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें उसका फ़ायदा पहुँचे, तुम्हें इमेजिन हो पाए। तो इसलिए तुम मेरे चैनल को सपोर्ट करो, मेरे को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस तुम देखा करो। फिर अपन आए इसके पोस्टीरियर सरफेस पे। तो इसके पीछे क्या है, तो इसके पीछे सबसे पहले आपको ये गाल ब्लैडर की डक्ट दिख रही होगी। सबसे पहले इसके अंदर है बाइल डक्ट। उसके अलावा इसके पीछे आपकी प्रेजेंट रहती है इन्फीरियर एंड सुपीरियर वीने कावा। मैं क्या फिल्टर करके आपके लिए ले आता हूँ, तो अब आपको क्लियरली दिखेगा। तो ये देखिए, अब आपको दिख पा रहा होगा, तो बड़ा ही हॉटस्पॉट सा है पूरा, है इसकी पूरी आर्टरी सिस्टम। तो जस्ट क्या होता है, स्टोमक के जस्ट पीछे आपका प्रेजेंट रहता है इन्फीरियर वीने कावा और आयोटा। तो इसके लिए इसके पोस्टीरियर रिलेशन जो है, याद करना, इसके सारे पोस्टर रिलेशन अपने इन्फीरियर वीने कावा एंड आयोटा से ही रिलेटेड होंगे, अपन जब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। क्योंकि अभी अपन देख रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट के पीछे तो अपना ये दोनों नहीं है, ना ही सेकंड पार्ट में है, लेकिन इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट में अपना जो है इन्फीरियर वीने कावा एंड सुपीरियर वीने कावा के लेवल पे आ रहा है, अगर आप देख पा रहे हो क्लियरली। देन वहाँ पे आप अच्छे से याद कर लेना कि इसके पोस्टीरियर साइड में अपना होता है इन्फीरियर एंड सुपीरियर वीने कावा। मैं फिल्टर करके फिर से अगर इसको हटा देता हूँ आपके लिए, तो आपको क्लियरली अब इमेजिन हो पा रहा होगा। तो इसके पीछे आपका है इन्फीरियर एंड सुपीरियर वीने कावा, तो उसी की ब्रांचेस जो हैं आपको इसके अंदर पीछे की साइड रिलेशन में आएंगी। तो पोस्टीरियर रिलेशन आपका अपन ने देखा, एक आपका होता है बाइल डक्ट से, दूसरा एक आर्टरी होती है, उसको अपन कहते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। दूसरी एक गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी आपकी बनाएगी, उसके अलावा एक पूरा पोर्टल वेन बनाएगी। एक और चीज़ याद कर लो, अगर तुमने पोर्टल वेन की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आई बटन में मिल जाएगा, पोर्टल वेन की वीडियो देख लेना। और पोर्टल वेन की वीडियो यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम जानते हो इंग्वाइनल कैनाल एब्डोमेन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यार उसी के इक्वली अपना पोर्टल वेन भी होता है। और पोर्टल वेन क्या है, एकदम अलग होता है, याद रखना। जो अपना एक ब्लड सर्कुलेशन जो है इन्फीरियर वीने कावा वाला वेन्स का, वो बिल्कुल अलग है, इन्फीरियर वीने कावा अलग है, और पोर्टल वेन्स अपनी अलग होती है। इन दोनों के कंसेप्ट को मिक्स मत कर देना। तो पोर्टल वेन की वीडियो तुम देख लेना अच्छे से, ताकि तुम्हें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। अभी तुम ये पोस्टेरियर में तीन नाम याद कर लो, कौन कौन से रिलेशन में आ रहे हैं, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, अपनी एक बाइल डक्ट, दूसरा पोर्टल वेन। उसके अलावा इसके सुपीरियर में, इसके सुपीरियर में क्या प्रेजेंट रहता है, इसके सुपीरियर में एक होता है फोरामेन, उसको अपन बोलते हैं एपिप्लोइक फोरामेन। एपिप्लोइक फोरामेन के ऊपर भी सेपरेट टॉपिक है, आप लिंक आई बटन मिल जाएगा, आप देख सकते हो। मैंने आपसे बोला ना, इसके सारे टॉपिक जो हैं इंटरकनेक्टेड हैं एक्चुअली में एब्डोमेन में। तो आप क्या एक वीडियो देखो, देन उस एक वीडियो से रिलेटेड जितनी भी वीडियो होती है ना, वो भी वीडियो देख लिया करो, ताकि सारे तुम्हारे जो हैं कंसेप्ट अच्छे से बन जाए। और इसकी अगर नीचे देखें, मैं हटाऊँ आपको, तो फर्स्ट पार्ट के इन्फीरियर में क्या प्रेजेंट है, आपका प्रेजेंट है हेड एंड नेक ऑफ पैनक्रियास। तो पूरे अपन ने क्या, फर्स्ट पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया सारे रिलेशन। और आपको बिल्कुल ऐसे ही याद करना है, पहले फर्स्ट पार्ट का एक्सटेंड देख लो कहाँ से एक्सटेंड है,
फिर पेरिटोनल रिलेशन, फिर उसके आप देख लेना विसरल रिलेशन। तो अपन इसके आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट के बारे में मैं आपको बता ही चुका था कहाँ से बिगेन होता है, सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर से लेकर इन्फीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर तक, ये वाला। तो यहाँ पे ये लिखा है बिगेन एट सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर टू रीच लोअर बॉर्डर ऑफ थर्ड लंबर वर्टिब्रा। यहाँ पे आपने थर्ड लंबर वर्टिब्रा है ना, तो अपन इस तरीके से बोल सकते हैं ड्यूडेनल ड्यूडेनल फ्लेक्सर से लेकर लोअर बॉर्डर ऑफ थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक एक्सटेंड कर रहा है। उसके बाद इसके भी सेम अपन देखते हैं रिलेशन, पहले पेरिटोनल रिलेशन। तो ये जो पेरिटोनल रिलेशन क्या है, इसका भी सेम टू सेम एक ही है। ये भी अपना कैसा होता है, ये अपना होता है रेट्रो पेरिटोनियल। सिर्फ इंटीरियर सरफेस ही इसकी पेरिटोनियम से कवर होती है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है, इसकी इंटीरियर सरफेस है वो तो एक तो आपकी पेरिटोनियम से कवर है ही, लेकिन इंटीरियर सरफेस में ही एक बीच वाला एरिया ऐसा रहता है जहाँ पे पेरिटोनियम नहीं रहती, मीडियल प्लेन। तो अच्छे से याद कर लेना कि आपका सेकेंड पार्ट रेट्रो पेरिटोनियल है, सिर्फ इंटीरियर सरफेस ही पेरिटोनियम से कवर है एक्सेप्ट मिडल पार्ट, ये बीच वाला पार्ट जो है यहाँ पे पेरिटोनियम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वेयर कोलोन इज रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे क्या अपनी कोलोन आ जाती है ट्रांसवर्स कोलोन। अगर मैं इसको आपको क्या इस डायग्राम में दिखाता हूँ तो क्लियरली अब आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। इस साइड आप देखो, ये अपन इंटीरियर व्यू में देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये है अपना सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के जस्ट फ्रंट में क्या आ रहा है, अपना आ रहा है लिवर, और यहाँ पे बीच में आपका आ रहा है ट्रांसवर्स कोलोन कुछ इस तरीके से। तो क्योंकि इसके बीच में आपका ट्रांसवर्स कोलोन आ जाता है, इसलिए इसके इंटीरियर सरफेस में पूरी तरीके से पेरिटोनियम जो है कवर नहीं हो पाती। तो ये आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, की लाइन है पेरिटोनियम रिलेशन का। फिर अपन इसका फिर से देखें अगर विसरल रिलेशन, तो मैं आपको फिर से अगर अपने मॉडल से दिखाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप अब यहाँ पे देखें तो क्लियरली वे में दिख रहा है ये क्या है, ये है अपना सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट अपन ये भी कहाँ से, पोस्टीरियर व्यू से देख रहे हैं। तो इसके जस्ट सामने इंटीरियर में क्या है, अपना प्रेजेंट है राइट लोब ऑफ लिवर। तो इसके इंटीरियर रिलेशन कौन बना रहा है, राइट लोब ऑफ लिवर बना रहा है। देन मैं मेजेंट्री हटाऊं तो अब आपको क्लियरली देखेगा। तो इसके इंटीरियर में एक तो है अपना राइट लोब ऑफ लिवर, उसके बाद ये क्या है, ये है अपना पूरा कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। तो फिर सेकेंड लाइन यहाँ पे भी लिखी है, फिर आपका बनाएगा ट्रांसवर्स कोलोन। अब याद रख लेना ट्रांसवर्स कोलोन के साथ हमेशा आपकी चलेगी ट्रांसवर्स मीजो कोलोन। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलोन है, फिर आपका है ट्रांसवर्स मीजो कोलोन। उसके अलावा उसके जस्ट नीचे ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी इसमें रिलेशन बना लेता है। तो पूरा मैंने आपको क्या इसको इस मॉडल में दिखा दिया, 3D मॉडल में। देन अपन इसको फर्दर अब देखते हैं इसके पोस्टीरियर रिलेशन। अब जाहिर सी बात है इसके पीछे क्या आ रहा है अपने, तो इसके पीछे जो है अपना आता है एक्चुअली में किडनी। अब किडनी दिखाने के लिए मुझे क्या आपको दूसरा मॉडल दिखाना पड़ेगा, यूरिनरी सिस्टम भी आपके लिए लाना पड़ेगा। तो किडनी पे आ जाएगा यूरोजेनाइटल सिस्टम, यानी ये आपका आ गया किडनी भी अब इस मॉडल में, ठीक है। तो आप बिल्कुल जब भी पढ़ा करो ना यार इस तरीके से अपने फ़ोन में 3D मॉडल्स खोल लिया करो। मैं पर्सनली खुद एटलस 3D एनाटॉमी ऐप इस्तेमाल करता हूँ, मैंने परचेज करा है। तो अगर तुम इस ऐप को परचेज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर सकते, आपको नहीं करना, तो आप मेरी वीडियो देखते रहो यार, मैं आपको क्या सफिशियंट अमाउंट में पूरी चीज़ें 3D ऐप में बता देता हूँ। अब तुम अगर देख पा रहे हो ये तो सेकेंड पार्ट है, इसके जस्ट पीछे आपका क्या है, ये है किडनी, राइट किडनी। तो अच्छे से याद कर लेना, इसके पीछे आपकी होती है राइट किडनी, देन किडनी की वेसल्स। मैं आपको फिल्टर करके फिर से ले आता हूँ आर्टरी वेन। तो यहाँ से आपको दिख रही है ना ये वेसल्स को क्या बोलते हैं, रीनल वेसल। तो फिर आपकी बना लेती हैं रिलेशन में रीनल वेसल्स, पहले किडनी आएगी, देन किडनी की फिर आपकी आ जाएंगी वेसल्स, रीनल वेसल्स। उसके बाद इन्फीरियर वीने कावा भी रिलेशन बनाएगा, और यहाँ पे एक मसल रहती है एक्चुअली में, उसे अपन बोलते हैं राइट श्वास मेजर मसल। तो राइट श्वास मेजर मसल जो है वो भी इसमें रिलेशन बनाएगी। देन फिर अगर अपन इसमें देखें इस सेकेंड पार्ट के मीडियल में क्या प्रेजेंट है, अपना प्रेजेंट है हेड ऑफ पैनक्रियास और बाइल डक्ट। तो इसके मीडियल में आपका आता है हेड ऑफ पैनक्रियास एंड बाइल डक्ट। देन फिर अपन देखते हैं इंटीरियर ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम।
क्या होता है यार, मेनली अगर आपका यूनिवर्सिटी में ड्यूडेनम आने वाला है तो एज ए शॉर्ट नोट में ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि सेकंड पार्ट वो देगा आपको लिखने के लिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। क्योंकि होता क्या है, जो सेकंड पार्ट है जो पूरा अपना जो पेनक्रियास है ना, जो पेनक्रियास की जो डक्ट रहती हैं वो एक्चुअली में अपनी सेकंड पार्ट में खुलती हैं, तो इसलिए अपन को क्या सेकंड पार्ट के इंटीरियर वाले स्ट्रक्चर भी अपन को लिखने पड़ते हैं उसमें, तो इसलिए ज़्यादा चांसेस आपके होते हैं सेकंड पार्ट में वो क्वेश्चन दे। तो आप अच्छे से इस पार्ट को क्लियर देख लेना। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ये है अपना डायग्राम, मैं आपको दिखाऊँ तो आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा ये क्या है, ये है अपना सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट के अब अपन देख रहे हैं इंटीरियर में। तो क्या होता है, क्लियरली मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपकी दो ओपनिंग प्रेजेंट रहती हैं, एक आपको होता है माइनर ड्यूडेनल पेपेलिया, ऊपर की साइड यहाँ पर भी लिखा है बड़े फ़ॉन्ट्स में माइनर ड्यूडेनल पेपेलिया, देन उसके नीचे एक आपको रहता है मेजर ड्यूडेनल पेपेलिया। अब एक्चुअली में ये दो जो ओपनिंग है ये एक्चुअली में अपनी पेनक्रियाटिक डक्ट की ही ओपनिंग है, तो आपको सिर्फ दो चीज़ याद करनी है और वो है, दो चीज़ आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी में भी लिख के आनी है, एक कि जो माइनर ड्यूडेनल पेपेलिया है ये किसकी ओपनिंग है, ये एक्चुअली में अपनी ओपनिंग होती है एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट की। अच्छे से याद कर लेना, फिर से बोलता हूँ, माइनर ड्यूडेनल पेपेलिया अपनी ओपनिंग होती है एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट की, वहीं मेजर ड्यूडेनल पेपेलिया अपनी ओपनिंग होती है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट की। तो एक पॉइंट अपन ने यह याद कर लिया। दूसरा पॉइंट ये है इसकी लोकेशन, ये कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, ये सबसे पहले ड्यूडेनम में क्या पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होती है, देन पोस्टीरियर में तो प्रेजेंट है ही है, पोस्टीरियर में भी कहाँ पे, मीडियल में कि लेटरल में, तो मीडियल में, यहाँ पे लिखा भी है कि जो पेपिलिया कहाँ प्रेजेंट है, दोनों ये अपनी प्रेजेंट है पोस्टीरियो मीडियली सरफेस में, ठीक है। देन एक्चुअली में क्या होता है, इसके ऊपर अपना स्टोमक का रहता है पाइलोरस, तो अपन को क्या है इसकी लोकेशन जो है पाइलोरस से याद करनी है, कितने सेंटीमीटर नीचे होता है, तो आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और पीजी वगैरह में जब एमसीक्यू बनते हैं ना तो इसी के कंसेप्ट से बन जाते हैं। तो माइनर ड्यूडेनल पेपेलिया अपना 6 से 8 सेंटीमीटर डिस्टल होती है पाइलोरस से, यहाँ पर अपना है पाइलोरस, तो उससे कुल मिला के ये माइनर ड्यूडेनल पेपेलिया 6 सेंटीमीटर नीचे होती है, 6 से 8, और उसी 8 को आप पकड़ लेना कि अपनी मेजर ड्यूडेनल पेपेलिया कहाँ पर होगी, 8 से 10 सेंटीमीटर डिस्टल टू पाइलोरस। तो दोनों चीज़ें आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, इसके इंटीरियर वाले स्ट्रक्चर। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ याद करने की है कि जो मेजर ड्यूडेनल पेपेलिया जो होता है ना, उसके जस्ट नीचे से एक लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड आपका रहता है, उसको अपन बोल देते हैं पेलिका लॉन्गिट्यूडिनालिस, यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है इसी को अपन बोलते हैं पेलिका लॉन्गिट्यूडिनालिस। और ये जो लाइन है ना, ये एक्चुअली में अपनी एक कीवर्ड लाइन है, तो जब भी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आए तो इस लाइन को अपना लिखना ही लिखना है, की लाइंस को अपन लिखते ही लिखते हैं ताकि अपन को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। तो मैं अब क्या आपको दोनों फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट के रिलेशन फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको क्या ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो मैं आपको ये जो डायग्राम है इस डायग्राम से दिखाता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है, ड्यूडेनम का जो डायग्राम है वो क्या अच्छे से क्या अपन इमेजिन नहीं करते 3D मॉडल में, तो क्या डायग्राम बन नहीं पाते, तो मेन प्रॉब्लम अपन को सिर्फ इसके डायग्राम में ही होगी। ड्यूडेनम है तो बड़ा ईजी टॉपिक, मेन दिक्कत इसके जो है डायग्राम में ही होती है, रिलेशन के डायग्राम में। तो क्या मैं आपको यहाँ पर डायग्राम में समझा देता हूँ ताकि आपको क्या जब आप बुक पढ़ो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा गोल यही है कि आपको ऐसा कंटेंट बना के देना है आपको वीडियो के थ्रू कि आप बस मेरा कंटेंट देखो और डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लिख के आ जाओ। मैं आपको क्या नोट्स भी सब प्रोवाइड करता हूँ, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यार मुझे क्या आप सब्सक्राइब बढ़वाओ, मुझे मोटिवेशन करवाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा मेरे लाइक सब्सक्राइब होते हैं उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ आपके लिए फर्स्ट ईयर के लिए। देन अगर आप यहाँ पर देखो तो ये डायग्राम जो है ये अपना डायग्राम है विश्राम सिंह का, तो आप जो है एब्डोमेन पढ़ने का तरीका समझो। पहले अपन पढ़ेंगे दो बुक से, एक आप ले लो BDC और दूसरी आप ले लो विश्राम सिंह। तो अपन को करना क्या है, विश्राम सिंह से अपन पढ़ेंगे सारे इसके डायग्राम्स, और मेन थ्योरी अपन पढ़ेंगे BDC से, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ो ज़्यादा आपको मिलेगा। तो यहाँ देखो, तो ये है अपने ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट, और ये है इसका पोस्टेरियर स्ट्रक्चर का रिलेशन। तो इसके पोस्टेरियर में कौन कौन सी चीज़ें आ रही थी, एक गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, बाइल डक्ट और पोर्टल वेन।
तो आपको ऐसे ही करना है, आप ऐसा ड्यूडेनम बना देना, देन उसके पीछे आप डायरेक्ट क्या बना देना, एक आप बना देना पोर्टल वेन, फिर एक बाइल डक्ट, फिर गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी। तो इस डायग्राम में तो ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन अगर आप इस साइड जाओ तो अपनी प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। यही फर्स्ट पार्ट का इंटीरियर वाला डायग्राम है। तो इसको क्या समझाने के लिए मैं तुम्हें ये मॉडल दिखाऊँ तो क्लियरली समझ में आएगा। तो एक्चुअली इसने क्या करा है, ये है अपना फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ये रहा। तो अभी अपन इस तरफ से देख रहे हैं पोस्टीरियर व्यू से, तो इनने क्या इस सेक्शन में आपको दिखाया है, लेटरल सेक्शन में इनने यूँ कट कर लिया, तो आपका देखेगा फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन को एग्जाम में तो यार बना के डायग्राम ही आना है ना, तो इसलिए मैं अल्टीमेटली आपको डायग्राम समझा रहा हूँ ताकि आपको आराम से आप डायग्राम भी बना दो अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो ये है अपना फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, उसके आगे जस्ट क्या दिख रहा है, ये आप बना देना गाल बेडर। पहले आप बनाना फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, फिर आप बनाना गाल बेडर, देन गाल बेडर के अपने आगे आता है क्वाड्रेट लोब ऑफ लिवर, फिर क्वाड्रेट लोब ऑफ लिवर बना देना, और उसके पीछे आपके डायरेक्ट तीन वेसल्स बना देना, बिल्कुल नाम याद कर लो। पहले एक आप बनाना हेपेटिक आर्टरी, फिर वोटल वेन, उसका इन्फीरियर वेन है कावा। तो बिल्कुल डायरेक्ट आप एक तीन वेसल्स बना देना, आराम से इसके डायग्राम भी बन जाते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है इनके डायग्राम्स। तो फर्स्ट पार्ट का डायग्राम हो गया। देन सेकंड पार्ट पे अगर अपन देखें तो ये भी कुछ खास नहीं है, तो ये आप पूरा बना देना ड्यूडेनम। ये है इसका सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट के जस्ट इंटीरियर में क्या रहा है, अपना आ रहा है लिवर और ट्रांसवर्स कोलोन, और ट्रांसवर्स कोलोन के जस्ट पीछे आपकी आएगी ट्रांसवर्स मेसोकोलन। और उसका जो इंटरनल वाला स्ट्रक्चर है उसमें कुछ नहीं करना, ड्यूडेनम बना के दो ओपनिंग ओपनिंग दिखा देना बस। और ये याद करना कि जो मेजर ड्यूडेनल पैपिलिया है उससे लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड बनाना मत भूलना, इसको अपन कहते हैं पेलिकाप, क्योंकि ये क्या है कीवर्ड लाइन है, एग्जामिनर देखता ही देखता है। वहीं अब अपन सेकेंड पार्ट के पोस्टीरियर रिलेशन अगर देखें तो अपन जानते हैं इसके पोस्टीरियर रिलेशन में क्या क्या आ रहा था, अपना सबसे पहले आ रहा था किडनी। तो यहाँ पर इनने क्या किडनी शो नहीं करी इस डायग्राम में, वरना इधर आपकी आती है किडनी, किडनी के बाद रीनल वेसल, फिर आपकी आती है इन्फीरियर वेने कावा, और फिर अपनी आती है श्वास मेजर मसल। तो यहाँ पर सिर्फ आपको श्वास मेजर मसल दिख रही होगी, एक्चुअली में ये क्या है अयोटा, अयोटा के कुछ इस तरफ आपका प्रेजेंट होता है इन्फीरियर वेने कावा। यहाँ पे इन्फीरियर वेने कावा शो ना करके इन्हें डायरेक्ट पोर्टल वेन शो करी है, इसलिए मैंने आपको क्या इस बात में स्ट्रेस दिया था कि पोर्टल वेन अलग है यार, इन्फीरियर वेने कावा अलग है। तो जब तुम डायग्राम बनाओगे ना तो कन्फ्यूज मत होना दोनों को लेके। तो आप क्या करना, पहले डायरेक्ट यहाँ पे आप बना देना आयोटा, देन पोर्टल वेन बना देना, देन पोर्टल वेन की ही एक ब्रांच होती है स्प्लेनिक वेन, देन वही स्प्लेनिक वेन एक और ब्रांच देगी वो है इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन। तो आप पूरा आयोटा बना के पोर्टल वेन बना देना, फिर एक एंडिंग में श्वास मेजर मसल बना देना। तो इस तरीके से आपको जो है डायग्राम बनाने हैं फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट के, और मैं इसके नोट्स आपको जो है मेरी पार्ट टू वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, तो आप मेरी पार्ट टू वीडियो मिस मत करना, उसमें अपन इसके थर्ड एंड फोर्थ पार्ट देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।